नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से विपक्ष के निशानों पर सामने आए हैं और क्या है बड़ी खबर संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा बयान जारी किया है और इसके साथ ही नीतीश कुमार पर इस्तीफे की दबाव बनाई जा रही है। देखिए क्या है बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त बारिश के नजारे देखे जा रहे हैं। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात से लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। के साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जी तरीकों से लेने वाले पैसों पर सरकार ने लगाया रोक। कहा फर्जी तरीकों से पैसे लेने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे कि एक बार फिर से राजद किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं अपने आप को। राजद अपने आप को फिर से मजबूत करता हुआ दिखाई दिया कोरोना के नए वेरियंट डेल्टा और एक मॉन्की फॉक्स नामक लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, बता दें। इसके साथ बात करेंगे आज की बड़ी खबर में, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव में कमर कस ली, जिसके कारण वह एक बार फिर से तमाम चीजों को लेकर के जानी जाएंगी। और आज जी हां, हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दिया बड़ा बयान। कहा एसएसपी के ऊपर लगाए जाने वाले गलत आरोप सरासर गलत है। इसके साथ अखिलेश यादव के बेगाने अब पास आने लगे और जो पास थे वो बेगाने होते हुए नजर आए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दो ही अच्छे जैसे नारों का नहीं करते समर्थन, जानिए क्या है मुख्य कारण। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे टीएमसी ने किस तरीके से महुआ मल्होत्रा पर कार्रवाई करने का रुख बनाया और महुआ मल्होत्रा पर कार्रवाई करने के लिए दिखाई दे रही है। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे डीजल और पेट्रोल के क्या है ताजा रेट और जी हाँ देश में किस तरीके से बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के रेट। तो छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से जो आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब संसदीय के नए सत्र की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले सभी सांसदों को एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमाई गई। संसदीय दल में जिस तरीके से अशब्दों का इस्तेमाल होता है इन सभी चीजों पर कई ऐसे शब्द जो है उस पर रोक लगा दी गई है। संपूर्ण रोक लगाए जाने के बाद में इन शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं कर पाएगा जिनमें मुख्य रूप से कई ऐसे शब्द शामिल हैं। लेकिन लंबे चौड़े लिस्ट को दिए जाने के बाद में विपक्ष अब हमलावर हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि वाह प्रधानमंत्री जी वाह, अब यही कहना बाकी रह गया है। अब विपक्ष अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि प्रधानमंत्री की वाहवाही करके उनकी तारीफों का पुल बांधेगा, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कुछ बोले तो यह तानाशाह हमें कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों तानाशाह कहना भी अपने आप में एक जुर्म होगा। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर के। पटना के एसएसपी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन पर दो आतंकियों को पकड़ा उस पर उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद में पूरे पटना में हलचल तेज हो गई। आरएसएस को पीएसएस से तुलना कर दी और आरएसएस पीएसएस की तुलना के बाद में काफ़ी सक्रिय नजर आई भारतीय जनता पार्टी। बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद भी बड़े भाई की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार इस बात का दबाव बनाया कि एसएसपी का तुरंत तबादला किया जाए, एसएसपी को तुरंत यहां से निष्कासित किया जाए। तो एसएसपी को फिलहाल निष्कासित नीतीश कुमार ने नहीं किया, लेकिन मामले की जांच चल रही है। आखिरकार एसएसपी महोदय इस तरीके के बयानों को क्यों दिए और इन बयानों को दिए जाने के बाद में अपने ही बयानों में क्यों फंसते हुए नजर आए एसएसपी, इसके बारे में वक्त के साथ संपूर्ण जानकारियां तो सामने निकल करके आएगी ही, लेकिन इसके साथ नीतीश कुमार की मुश्किलें जो हैं वो कई मायनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही है। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही इस वक्त देश के अंदर जी हाँ, कांवर यात्रा को देखते हुए दिल्ली से हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस, इसके साथ साथ जी हाँ अपदादी कई जर्सीडी और तमाम जगहों के लिए स्पेशल और ट्रेनों को चलाए जाने के परिचालन को तेज कर दिया गया है, जिससे परिचालन काफ़ी तेज हो और लोगों को अनुभव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। इसके साथ बोलबम यात्रा करने वाले तमाम लोगों पर हेलीकॉप्टर जैसे तमाम बड़े उपकरणों का इस्तेमाल
करते हुए निगरानी बनाई जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार के बम यानी बोलबम जाने वाले लोगों और शिव के भक्तों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो सके। इसके संपूर्ण तरीकों से तैयारियां की जा रही है और इसके बाद में कांवर यात्रा को लेकर के तैयारियां कमरकस संपूर्ण तरीकों से तैयार कर ली गई है। तो एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल करके सामने आ रही है, जिससे आपको सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता दें, रेल यात्रा को लेकर के बड़ी खबर है और रेल यात्रा में लगातार सरकार का सबसे बड़ा सुधार। नया विधेयक के आने के बाद में क्या सब्जियों की कीमत और इसके साथ साथ तमाम अन्य खाने पीने की चीज़ों की कीमत कम होने वाली है? नए विधेयक के आने के बाद में चीज़ों की कीमत में कमी आएगी, इस बात का आश्वासन पहले से मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन इस बार ये खबरें इस वक्त सामने और निकल करके आने लगी, जब तक सरकार की तरफ से लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि भारी मात्रा में जो है इस बार सब्जियों की कीमत में गिरावट दर्ज की जाएगी और इसके साथ साथ कुछ अन्य खाने पीने की चीज़ों में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों, लंबे वक्त से जिन चीजों का इंतजार लोगों को था, वो आखिरकार ये घड़ी जो है वो आती हुई नजर आ रही है और खाने पीने की चीजों को लेकर के अक्सर महंगाई का एक नया रुख देखा जाया करता था, उसे भी अब कम होता हुआ देखा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो है वो निकल करके आ रही है, जो आप सभी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही इस वक्त, बात करेंगे टीएमसी सांसद महुआ मल्होत्रा की। तो महुआ मल्होत्रा ने एक बार फिर से बयान दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर। महुआ मल्होत्रा ने बयान देते हुए कहा कि जिन शब्दों से प्रधानमंत्री को तकलीफ हुआ करता था या विपक्ष उन्हें उन शब्दों के माध्यम से घेरने के प्रयास करता था, उन शब्दों को सांसद का असामाजिक शब्दों के जैसे इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगा करके इसे इनकार कर दिया गया। आखिरकार अब हम भला किन शब्दों से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, सरकार की अब वाहवाही करनी ही बाकी रह गई है। अब तो हमें बस सांसद भवन में जा करके प्रधानमंत्री जिंदाबाद कहना होगा। तो दोस्तों, ये तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है और एक के बाद एक नए और बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त के साथ सब कुछ पता चलेगा कि आखिरकार 2022 में कौन सही था और कौन गलत था। विपक्ष तो इस बात का आरोप लगा रहा है कि सत्ता की कुर्सी जाने के बाद में सीधे जेल के सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ी खबर आई सामने, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही इस वक्त, लालू प्रसाद यादव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे देश में कामना की जा रही है और इसके साथ लालू प्रसाद यादव की आती एक मुस्कुराती तस्वीरों ने लोगों को इस उम्मीद पर जी हाँ काफ़ी ज़्यादा अनुभव दिया कि लालू प्रसाद यादव अब ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर से मीसा भारती समेत तमाम कई राजद के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव मुस्कुराते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिनके दिल में सब लोग बसते हैं। इसके साथ दिलों के अंदर राज करने वाले लालू प्रसाद यादव जो है वो पूरी तरीकों से ठीक हो जाएं, इसकी कामना करने के लिए हिंदुस्तान के जगह जगह पर कोने कोने में चीज़ों को देखा गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए लोगों को देखा जा रहा था। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लोगों को देखा जा रहा था किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही थी। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई सामने, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। केजरीवाल ने एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू किया, लेकिन उसके बाद में सरकार को गुजरात में मात देने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। मंसूबों में इस बात को लेकर के कामयाब होती हुई नजर आ रही है कि संपूर्ण तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है और इसके साथ उन्होंने गुजरात से करके तमाम अन्य राज्यों में भी पार्टी को स्थापित करते हुए कार्यकर्ताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है कि किसी भी हालत में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता इतनी ज़्यादा मजबूत रहने चाहिए ताकि वह किसी भी चुनाव को फतह करने के लिए वक्त का सामना ना करने पड़े और महज कम वक्त के अंदर चुनाव को वह बहुत आसानी से लीड कर पाएँ। तो दोस्तों, कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री का सपना भी तेज होता रहा है।
जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उसके साथ साथ तमाम भारत के राजस्थान जैसे तमाम, गुजरात जैसे तमाम ऐसे कई राज्य शामिल हैं जहां पर मौसम विभाग ने कहा कि मानसून प्रवेश कर चुका है और इसके साथ जबरदस्त बारिश के नज़ारे वक्त वक्त पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार लोगों को इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड का एहसास पहले से करने जैसा हो सकता है क्योंकि मॉनसून काफ़ी देर से आ रहा है जो आपको बरसात का एक सबसे बड़ा नज़ारा दिखा सकता है। इसके साथ कई राज्यों में बादल फटने की तस्वीरें भी सामने आई है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा रही है, लेकिन अक्सर जो है वो ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो लोग डर ही जाते हैं। ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो लोगों को डरा करके रख चुकी थी। तो एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो है वो निकल कर के आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। ओमिक्रोन और डेल्टा के बाद में मॉन्की फॉक्स नामक लगातार वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। मॉन्की फॉक्स क्या है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी डॉक्टरों आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मॉन्की फॉक्स नामक वैक्सीनेशन कोरोना की तरह ही एक वैक्सीन है जो आपके फेफड़ों तक जा कर के आपको सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करवा सकता है। इसके साथ आपको कई और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप मॉन्की फॉक्स नामक जैसे वायरस की संकेत मिलने के बाद में तुरंत अपने आप की जांच जरूर करवा लें। तो मॉन्की फॉक्स कोरोना के बाद में नया वायरस मॉन्की फॉक्स नामक काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस वायरस से काफ़ी लोगों की परेशानियां भी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो अक्सर लोगों के जी हाँ परेशान करने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो एक बार फिर से ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है, किस तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं लोग। इसके साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर क्यों बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अग्निपथ योजना पर सुनवाई होनी है। अग्निपथ योजना पर नोटिफिकेशन को रद्द करने का बड़ा मांग जो है वो किया गया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तमाम ऐसे चीज़ों पर रोक लगाई जाए जो भारत की सरकार के द्वारा गलत तरीकों से पेश किया जाता है। तो फिलहाल कोर्ट अपना महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा निर्णय देगा, लेकिन उससे पहले कोर्ट के फैसले को लगातार एक बार फिर से चैलेंज कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। अब याचिका पर सुनवाई आज होगी और अब कोर्ट जो है वो बड़ा निर्णय ले सकता है। क्या मोदी सरकार को झटका लगेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सच में खारिज करने जैसा बड़ा निर्णय ले सकता है? ये वक्त के साथ सब कुछ एक एक कर पर्दा खुलेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है वो देखने वाली चीज़ें सामने आएगी आज। बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। कांग्रेस ने आज बड़ा बैठक करते हुए जसवंत सिन्हा का संपूर्ण प्रयास जो है वो करना शुरू कर दिया जिससे किसी भी तरीके से इस बार जीत हासिल हो सके और राष्ट्रपति अपना हो सके, इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। और इसके साथ मानसून सत्र में सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, इन सभी चीज़ों पर कांग्रेस ने एक बड़ा मीटिंग कर बातचीत करना शुरू किया था। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें उम्मीद है कि आज की बड़ी खबर आपको अच्छी लगी होगी। दीपक के लिए ITT न्यूज़ की रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।